सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इज इट वर्थ द हाइप तो पहली जगह हम आए हैं पिजेरिया द सूजी जो एक इटालियन शेफ़ है इन्होंने की पिजेरिया खोला है गुड़गांव के अंदर जिसको काफी सारे वो जो काफी सारे इंटरनेशनल रेटिंग मिली है तो बिथ द बेस्ट पिज़्जा इन इंडिया तो यहाँ पे हम हम चेक करने हैं कि इज इट रियली वर्थ द हाइप तो देखते हैं इनका पिज़्जा मेकिंग प्रोसेस तो इन्होंने जो इनका डो है जो इन्होंने रेस्ट करने के रखा हो उसको लिया उसको पिज़्ज़ा के शेप में बनाया हाथ से फिर उसके ऊपर इन्होंने ये जो इटालियन सॉस है वो डाले विच इज़ डायरेक्टली फ्रॉम इटली इनका जो फ्लार है ट्रिपल जीरो वो भी इटली से आता है और जो चीज़ है इनका तो एवरी गुजराती मस्ट भी प्राउड कि इसमें गुजरात का मुजरेलो चीज़ डाल रहे विच इज़ वेरी हाई स्टैंडर्ड और उसके बाद इन्होंने बेजी लीव डाली और इसको एक वुड फायर एवन में डाला जो काफ़ी बड़ा था साइज में तो कुछ देर बाद इस वुड फायर ओवन में काफ़ी जल्दी पिज़्ज़ा बन जाता है बनके हमारा पिज़्ज़ा तैयार है और यूजुअली ग्यारह इंचेस पिज़्जे को जो आप नॉर्मल पिज़्ज़ेरा में जाते हो इसको काटा जाता है अराउंड सिक्स में लेकिन यहाँ पे इसको फोर में काटा जाता है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है एफाकॉडो में इन्होंने सर्व कर दिया साइड में एफाकाडो में यूजली क्या होता है अगर सिंगल स्कूप ऑफ आइसक्रीम विद अ शॉट ऑफ एस्प्रेसो आती है इन्होंने दो डाल रखी आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन याकि कॉफी और जो ये आइसक्रीम थी पर्टिकुलरली इतनी इम्प्रेसिव चीज नहीं थी सबसे पहले मैंने टेस्ट करी अब आ जाता है पिज्जा पे पिज़े के चार स्लाइस इसलिए काटे जाते हैं बिकॉज आप इसको ऐसे फोल्ड करते हो स्टाइल के पिज्ज़ा को और फिर आप इसको ऐसे फोल्ड करके खाते हो इसमें ऊपर से काफ़ी ऑलिव ऑयल इन्होंने ड्रिजल कर रखा था और टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा आता मतलब आई वुड इमीजिएटली सेट कि जो इसका क्रस्ट है वेरी वेल कुकड है काफ़ी अच्छा फ्लेवर है जो सॉस है वो भी काफ़ी बढ़िया है थोड़ा सा मैंने चिली ऑयल इसमें डाला और मैं इसको टेस्ट करा जो सॉस और इसका कॉम्बिनेशन है चीज़ कम डाल रखा है लेकिन परफेक्ट एक बैलेंस आ रहा है चीज़ और टेंगीनेस फ्रॉम द सॉस अमेजिंग पिज़्ज़ा अब थोड़ा क्राइम कर लेते हैं इतने अच्छे पिज्ज़ा में हम लोग ऑरिगेनो डालते हैं और चिली फ्लेक्स डालते हैं जो मुझे लगता है कि इतने अच्छे पिज़्ज़ा में डालना चाहिए बट सिंस काफ़ी लोग ऑरिगेनो के बिना इंडिया में पिज्ज़ा खा नहीं सकते तो ये क्राइम कमिट करते हैं हम भी और ये फिर मैंने टेस्ट करा तो टेस्ट अच्छा था मतलब ये नहीं बोलो कि बहुत ज्यादा एनहैंस हो गया बट दिस पिज़्जा इज रियली रियली नाइस नेक्स्ट इज जो आई विच इज द फ्रिटस तो ये देखो इसमें ये मैश मैच पोटैटो कुछ सलामी स्टफ कर रखी है विद लॉट ऑफ चीज़ दिस वॉज वेरी नाइस एंड टेस्ट और जो दूसरा व्हाइट सा कटलेट टाइप देख रहे हो वो स्पेगेटी है अगर आप उसको इंडिविजुअली खाओगे तो कुछ खास टेस्ट नहीं आएगा तो साथ में जो ये सॉस होती है जो पिज़्ज़ा में डलती है उसको ये थोड़ा बहुत कुछ हर्ब्स या फिर गार्लिक ऐड करके उस सॉस को ऐसे डिप सॉस बनाते हैं उस डिप सॉस के साथ जब आप ये खाओगे तो टेस्ट आएगा उसके बिना खाओगे तो उतना खास टेस्ट नहीं लगा देर वेरी नाइस ये भी खाने में काफ़ी टेस्टी था और मेरा पहला एक्सपीरियंस है ये चीज़ ऐसे कुछ खाने का पिजा अच्छा था दिस इज द बेस्ट वन यू हैव टेस्टेड ऑनेस्टली राइट ऑलमोस्ट सो नेक्स्ट पिज़्ज़ा आया है व्हिच इज अ नो सॉस पिज़्ज़ा जो कार्बोनारा था इसमें चीज़ है अंडा है इसमें पोक है तो ये बड़ा यूनिक सा पिज़्जा मैंने कभी ये पिज़्जा नहीं खा रखा बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा ये टैक्सेस में ला के एक हजार रुपये का पिज़्ज़ा है और एक स्लाइस में कम से कम ढाई सौ रुपए की स्लाइस है मतलब आप मान लो कि कई जगहों पर एक स्लाइस के का दाम में एक पिज़्ज़ा आ जाता है बट मुझे पहले वाला पिज़्जा काफ़ी अच्छा लगा तो मैं ये भी सोचू कि अच्छा है टेस्ट करके देख लेते हैं दिस माइट बी वेरी ऑथेंटिक बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा जो इंडियन पैलेट है उसको ये टेस्ट अच्छा नहीं लगा मुझे पास्ता में ये चीज़ अच्छी लगती है बट आ, मुझे ये चीज़ नहीं जमी आप जे खा के देखते हैं कि उसको कैसा लगा इसको यूनी अनोखी चीज़ें पसंद आती हैं अच्छा है? जो एग है वन विल यू ऑर्डर दिस ऑन योर ओन स्पेंडिंग थाउजेंड रुपीज और नो थाउजेंड रुपीज इसने अफागाडो भी टेस्ट करी मुझे अफागार्डो काफ़ी स्वीट लगा बिकॉज दो स्कूप कुछ ज़्यादा हो जाते हैं द रेशो इज़ वन स्कूप एंड शॉर्ट तो वो बैलेंस रहता है कॉफी और उसका और लेकिन यहाँ पे जो दो स्कूप थे इसको अच्छा लगा बिकॉज इज फ्रॉम यूपी और यूपी में लोगों को मीठा खाने का बहुत शौक है तो उसको ये बड़ा मसा आया लास्ट में हमने अपनी फेवरेट डिजर्ट वहा तेरा मिसो ये रम सोक्ड है तो अगर आप जा रहे हो तो माइंडेड डिस इज रम सोग्ड तेरा मिसो उसको कट करते हैं दिस वॉज अगेन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका सार और जो इसका मैस्कोब्रोन चीज है अमेजिंग फ्लेवर्स कमिंग और हमारा यहाँ पे आपको बिल दिखाया था अराउंड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड सिक्सटी सेवन रुपीज़ का बिल है एंड फाइनली द वर्ड इज इट वॉट द हाइप यस दिस प्लेस आई वुड से इज इन माई टॉप थ्री लिस्ट टू हैव पिजाज तो इट्स वॉट द हाइप पिज्ज़ा अगर आप नॉर्मल पिज्जा खाते हो तो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव छः सौ रुपये का है फॉर डैट काइंड ऑफ अ फ्लेवर सो यू कैन कम येयर दिस वन ऑफ माई टॉप इन माई टॉप थ्री प्लेसिज एंड दिस इज वर्थ द हाइप